मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप देख भी सकते हैं कि किसी भी टू एंड मोर दो या दो से अधिक व्यक्ति लीगल रूल रेगुलेशन में रहते हुए किसी कार्य का संपादन करते हैं, किसी बिजनेस के ऑब्जेक्ट को वो प्राप्त करते हैं, उनके अंतर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एकदम फिक्स होती है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इसके बाद इसे आपने डिपार्टमेंट वाइज ट्रांसफर कर दिया गया है, ये आपके फोरमैन है, फोरमैन के अंतर्गत आपने वर्कर दिया, ये आपका एक सिस्टमैटिक मैनर की तरफ से आप एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाए हैं जो बिजनेस को के लिए उसकी गोल और मिशन को प्राप्त करने में पूरी सहायता प्रदान करेगी। ईच ऑफ द इंप्लाई उसके अंतर्गत कार्य करेंगे, तो इसे हम कहेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज फिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वर्किंग पीरियड में एक स्टाफ क्लास टीचर ही लेते, एक स्कूल है, एक क्लास टीचर है, एक फॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टीचर्स स्टाफ एंड स्टूडेंट्स इन द रीडिंग ऑफ द क्लास इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट जब क्लास से बच्चे बाहर होंगे, आपस में बात करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, उन्हें एक निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से किसी भी कंपनी में सभी डिपार्टमेंट आपस में मिलकर के कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं, वर्क करते हैं, तो ऐसे संगठन जो कार्य को पूरा करते हैं उसे हम कहेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस व्हेन एक्टिविटी टू इन मोर पर्सन आर कॉन्स्टेंटली कोऑर्डिनेशन टुवर्ड गिवन ऑब्जेक्टिव फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉमन प्रोसेस एबल कम्युनिकेशन ईच अदर एक दूसरे के अंदर कम्युनिकेशन होगी विलिंग ऑफ द एक्ट शेयर ऑफ द पर्पज सहयोग की भावना। अभी हमने आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप एक क्लास चल रही है, टीचर है, क्लास है, विद इन टाइम दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल, बट स्टूडेंट क्लास छूटने के बाद, लंच टाइम होने के बाद, छुट्टी होने के बाद अगर वो एक साथ घर जाते हैं, आपस में बैठ करके ग्रुप डिस्कशन करते हैं, सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज वर्क, दिस ऑर्गेनाइजेशन इन कॉल ऑफ दे इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं, अनायास उनका एक संगठन, अनायास ही नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये किसी प्रॉपर चैनल ही आपस में मिलकर के लोगों ने बना के कार्य करते, इसे हम कहेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लार्जली टू व्हाट पीपुल बिकॉज दे आर द ह्यूमन पर्सनालिटी टू देयर एक्शन टर्म नीड इमोशन एंड एटीट्यूड के रूप में मिलकर के वो वर्क करते हैं, नॉट इन टर्म प्रोसीजर एंड रेगुलर या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पीपुल वर्क टूगेदर बिकॉज पर्पस लाइक एंड डिसलाइक। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसी मेन बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है या किसी कार्य को भी पूरा करना। आज आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के विषय में जाना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विषय के जाना, आपने पूरी वीडियो स्टार्ट टू एंड देखी, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। यदि आपने बेल आइकन का बटन न दबाए हो तो तुरंत दबाइए, जिससे आपको जो भी वीडियो इस वीकॉम ई लर्निंग में जिसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।